हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं पूजा महिंद्रा, आप लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. मैं बिल्कुल वापस आ गई हूँ, एकदम पूरे जोश के साथ, एनर्जी के साथ. और आज हम 13 मई के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स होंगे उनको विश्लेषण करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे विथ MCQ. साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपको कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी मिलेंगे. चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे कुछ अपकमिंग न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन बैचेस. बिकॉज अभी पैंडमिक का समय है, ऑफलाइन ब्रांचेस खोलना उतना पॉसिबल है नहीं है. तो बिल्कुल ये हमारे कुछ बैचेस हैं, आप देख सकते हैं 12 मई को. इसके अलावा 19 और 26 मई को भी हमारे कुछ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जो कि CHSL, बैंकिंग, SBI, PO सभी के लिए है. अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन ब्रांचेस की या बैचेस की चाहिए है तो आप mahindras.org पे विजिट कर सकते हैं. साथ ही साथ ही हमारा टोल फ्री नंबर है, इस पर भी कॉल कर सकते हैं. ये है मेरा एक प्रोमो कोड E13830. अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा? एडिशनल डिस्काउंट. ठीक है, तो आप इस प्रोमो कोड को भी यूज़ कर सकते हैं. आइए हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डेज के साथ, फिर हम देखेंगे अपने MCQs. स्टार्ट करूँ? चलिए, आ गए ना सभी लोग? गुड मॉर्निंग. फटाफट एक बार लिंक को शेयर भी कर देंगे जिससे जिनको नहीं पता है कि वापस से करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं उनको भी जानकारी हो जाएगी कि मॉर्निंग 6:30 AM हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है. तो फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर देंगे. जो बच्चा नया नया जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन उसको मिलते रहेंगे. चलिए, 1 मई. 1 मई को क्या हुआ था? तो श्रमिक दिवस या कामगार दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे हमने सेलिब्रेट किया. साथ ही साथ गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था 1960 में, इसलिए हम गुजरात और महाराष्ट्र डे भी सेलिब्रेट करते हैं 1 मई को. अच्छा, 2 मई को क्या हुआ था? 2 मई को हमने वर्ल्ड ट्यूना डे सेलिब्रेट किया था. ट्यूना क्या होती है? एक मछली का नाम होता है. साथ ही साथ 1 संडे जो आता है मई का, उसमें हम वर्ल्ड लाफ्टर डे भी सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, अगला क्या है हमारे पास? 3 मई. देखिए 3 मई को क्या हुआ था. 3 मई को हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया था, जिसकी थीम थी इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड. 4 मई को हमने कोल माइनर डे सेलिब्रेट किया था. साथ ही साथ इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे सेलिब्रेट किया था और वर्ल्ड अस्थमा डे को भी सेलिब्रेट किया था. अच्छा, वर्ल्ड अस्थमा डे इंपॉर्टेंट होता है, इसकी थीम क्या थी? अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस. ठीक है, बिल्कुल नदीम जी, मछली का नाम था ट्यूना. अगला देख लेते हैं, हमने 6 मई को क्या सेलिब्रेट किया? तो 6 मई को हमने वर्ल्ड पासवर्ड डे सेलिब्रेट किया. अच्छा, ये जो दिन है वो 2013 से हम सेलिब्रेट करते हैं. इंटेल कंपनी ने इसको शुरू किया था. फर्स्ट जो थर्सडे होता है, पहला जो गुरुवार होता है मई महीने का, उसमें हम वर्ल्ड पासवर्ड डे सेलिब्रेट करते हैं. साथ ही साथ इंटरनेशनल नो डाइट डे, लोगों को डाइट के बारे में अवेयर कराने के लिए कि क्या कंज्यूम करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या हमारे हेल्थ के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए सही है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई को सेलिब्रेट होता है. चलिए अब हम बात करेंगे 7 मई की. तो 7 मई को हमने सेलिब्रेट किया नेशनल स्पेस डे. नेशनल स्पेस डे बेसिकली 1997 से सेलिब्रेट हो रहा है. साथ ही साथ ही फर्स्ट फ्राइडे जो होता है मई का, उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं. इसकी थीम क्या थी? सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ इन 2021, वर्ल्ड स्पेस बी सेलिब्रेटेड व्यूमेंस इन स्पेस. साथ ही साथ BRO, BRO मतलब बॉर्डर, जो हमारी रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO, BRO की स्थापना 1960 में हुई थी. तो BRO का 61st फाउंडेशन डे भी हमने 7 मई को सेलिब्रेट किया, क्योंकि 7 मई 1960 को BRO का स्थापना किया गया था. साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती भी थी. रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 1861 में हुआ था, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं. साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको 1913 में नोबल प्राइज मिला, यू नो ना. बिल्कुल राहुल कुमार जी, मैंने भी आप सभी को बिल्कुल बहुत मिस किया था. चलिए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी वो पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको 1913 में नोबल प्राइज दिया गया था, तो इसलिए इस बात को भी याद रखना है. आगे बात कर लेते हैं 8 मई को. 8 मई को क्या हुआ था? तो 8 मई को हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी थीम क्या थी? अनस्टॉपेबल. अच्छा, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? हेनरी डोनाट की. और हेनरी डोनाट वो पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबल प्राइज दिया गया था. तो अगर पूछा जाता कि पहले व्यक्ति कौन है जिनको नोबल प्राइज मिला था, तो वो है ये रेड क्रॉस कमेटी के चेयरपर्सन. साथ ही साथ 8 मई को हमने वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेट किया था. अच्छा, अब थैलेसीमिया क्या होता है? तो थैलेसीमिया एक बीमारी का नाम होता है जिसके कारण हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बनता या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है. तो इस बीमारी के बारे में लोगों को अवेयर कराने के लिए हमने वर्ल्ड
थैलेसीमिया डे सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम क्या रही, एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वलिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। आइए अगली बात कर लेते हैं, 9 मई। अच्छा 9 मई को क्या था, तो 9 मई को हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 1914 से 1914 से जो है वो हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, है कि नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्वर्णा कुमारी जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग निर्मला। चलिए, अरे नहीं रश्मि जी, बिल्कुल आप सभी को मैंने मैसेज भी किए, लोगों के टेलीग्राम पर मैसेज भी किए, और बिल्कुल आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से करेंट अफेयर्स को तैयार करना है, क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि मैडम करेंट अफेयर्स को कैसे तैयार कर रहे हैं, एक साल का करेंट अफेयर्स है, तो वो भी आज हम देखेंगे। 11 मई को हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया। क्यों किया हमने सेलिब्रेट, क्योंकि 1998 को आपको याद होगा 1998 में जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उन्होंने पोखरण में टेस्ट कराया था जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो उस पोखरण टेस्ट की याद में हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट कराया, जिसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। चलिए अगली बात कर लेते हैं, 12 मई। 12 मई को क्या हुआ था, तो 12 मई को हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल नर्स डे। बेसिकली इंटरनेशनल नर्स डे जो है वो एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। इसकी थीम थी नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर द फ्यूचर हेल्थ केयर। साथ ही साथ WHO ने 2020 में 12 मई को, या 2020 जो पूरा साल था उसको, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड द मिडवाइफ के रूप में सेलिब्रेट किया था 2020 को WHO के द्वारा। आइए अब हम बात कर लेंगे कुछ MCQ के साथ, फटाफट तैयार हो सभी लोग। गुड मॉर्निंग राहुल जी, चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ विथ डिटेल एनालिसिस। तो फटाफट से आपको आंसर देना शुरू करना है कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन क्या है सुनिएगा, विच बैंक हैज लॉन्च द AI, AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बोट ईवा, इन पार्टनरशिप विथ अ कॉमन सर्विस सेंटर CSC फॉर द एजुकेटिंग विलेज लेवल इंटरप्रेनर्स VLE अबाउट बैंक प्रोडक्ट एंड द सर्विस। तो देखिएगा हमारा उद्देश्य क्या है, इंडिया और भारत को कनेक्ट करना, इंडिया से भारत का रास्ता तय करने के लिए इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जाते हैं, मतलब रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको बैंकिंग की जो टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग की जो सर्विसेज है उनको अवेयर करना, और उनके लिए इन सर्विसेज को ईजी बनाने के लिए इस ईवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ जो गाँव के लोग हैं, जो रूरल एरियाज के लोग हैं, अगर वो कोई अपना सेटअप करना चाहते हैं, व्यापार या बिजनेस करना चाहते हैं, तो बैंक उनको किस तरीके से मदद कर सकती है, इन सारी चीजों को अवेयर कराने के लिए बेसिकली ईवा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, मतलब इंडिया से भारत का रास्ता तय करना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना बता देना है कि ये जो ईवा प्रोजेक्ट है ये किस बैंक की साझेदारी के साथ शुरू किया गया है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक या फिर एक्सिस बैंक। बिल्कुल दीपाली शर्मा जी मोस्ट वेलकम, आंसर आ रहा है, मोहित शर्मा कह रहे हैं HDFC, कौटिल थूल, रिंकी बिल्कुल, आदर्श, प्रणय बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, HDFC बैंक। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक। ठीक है, तो HDFC बैंक ने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलकर ईवा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिससे डिजिटल सेवाएं प्रोवाइड की जाएंगी रूरल एरियाज को, और इंडिया से भारत बनने का रास्ता तय किया जाएगा, जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। अगर हम HDFC बैंक के बारे में बात करते हैं, तो HDFC बैंक जो है वो हमारा एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, ये हमारे भारत का असेट के अकॉर्डिंग पहला या फर्स्ट नंबर का प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, इसका हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको सिखा के रखा है, कभी तुक्का मारने की नौबत आ जाए तो आपको महाराष्ट्र या मुंबई को ही टिक करना है, क्योंकि मैक्सिमम बैंक के हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में ही स्थित है। अच्छा, HDFC बैंक के जो CEO हैं वो शशिधर जगदीशन है, इनका नाम याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, What is the latest GDP growth rate estimate for the India in the financial year 2020 as per the Moody's? Moody's के according 2022 के जो हमारा वित्तीय वर्ष है उसमें हमारी estimate अनुमानित GDP growth क्या रहेगी, 11%, 8.8%, 10.1% या फिर 9.3%। GDP का मतलब होता है gross domestic product। चलो आंसर कर देंगे इसका। बिल्कुल राहुल कुमार जी, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे,
9.3 कह रहे हैं, विनीत जी कह रहे हैं 10.1, 9.3। अच्छा ये 9.3 कर दी है, ये बात सही है, 100% सही है, लेकिन मुझे ये बताओ कि 9.3 किसको घटाकर की गई है, कितना था पहले, कितना था पहले जिसको घटाकर 9.3 मूडी ने जीडीपी ग्रोथ कर दी है। तो बिल्कुल सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अच्छा मूडीज के अलावा कुछ और संस्थाएं उनकी भी जीडीपी ग्रोथ रेट देख लेते हैं। तो आईएमएफ के अकॉर्डिंग भारत की जो ग्रोथ रेट रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर के लिए वो है 12.5। S&P ग्लोबल रेटिंग के अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी रहने वाली है 11%, और आरबीआई के अकॉर्डिंग रहने वाली है 10.5%। ठीक है, 13% से 9.3%, बिल्कुल 13.7% से प्रेरणा जी, 13.7% से हमारी जीडीपी ग्रोथ को 9.3 कर दिया है मूडीज ने, इसको याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द प्रपोज्ड नेशनल असेट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नेशनल असेट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? पद्म कुमार एम नायर, गणेश नटराजन, अश्विनी भाटिया या मुरुगन एम प्रजापी। चलिए अब यह मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति बैंक से जब लोन परचेस करता है तो अपनी सिक्योरिटी को वहां पर रखवाता है, और अगर आप उस लोन को पे नहीं कर पाते हैं पर्टिकुलर टाइम में तो बैंक के पास अथॉरिटी होती है कि वो आपके असेट्स को ले ले। अब बैंक उन असेट्स को क्या करेगी, तो बैंक उन असेट्स को क्या कर देती है, सेल कर देती है, सोल्ड कर देती है, और उन्हें खरीदता कौन है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खरीदती है। अच्छा जो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है अब इस पर वो कुछ भी कर सकती है, बना सकती है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकती है। साथ ही साथ आपको तो पता ही है कि 100% FDI, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होता है आपकी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंतर्गत। नेशनल जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है इसका एक और बहुत ही शानदार नाम है जिसका नाम है बैड बैंक, बुरा बैंक। ठीक है, बैड बैंक के नाम से भी इसको जानते हैं। चलो आंसर कर देंगे। रश्मि जी कह रही है ऑप्शन ए, सुधीर कुमार ए, मनोज, शिवम तिवारी, बिल्कुल राहुल, मधुमय मंडल जी, बिल्कुल वेरी गुड रिंकी, सही आंसर हो जाएगा नायर साहब, पद्म कुमार एम नायर, नायर बिल्कुल सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। तो देख लेते हैं इस न्यूज़ को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि पद्म कुमार एम नायर जो है अपॉइंट हुए हैं एज अ सीईओ ऑफ द नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसके पहले ये SBI ग्रुप के साथ काम करते थे, ठीक है, इसे हम बैड बैंक के नाम से भी जानते हैं। अच्छा जो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है इसमें 15% वो बिल पे करते हैं लोन इन अ फॉर्म ऑफ द कैश, और 85% जो यहाँ पर गवर्नमेंट गारंटी सिक्योरिटी रिसिप्ट के फॉर्म में रखा जाता है, इन्हें बैड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा अगर यहाँ पर हम FDI के बारे में बात करते तो कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं जहाँ पे 100% FDI है। सिविल एविएशन एयर प्रोजेक्ट में 100% FDI है, इंडस्ट्रियल पार्क जिनको आप IT पार्क के नाम से भी जानते हैं उनमें भी आपको 100% FDI मिलेगी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC में भी आपको 100% FDI मिलेगी, साथ ही साथ जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी आपको 100% FDI देखने को मिलेगी। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कितने हैं और भी हैं, इन सभी में आपको 100% FDI की सुविधा मिल जाएगी। बिल्कुल मलय जी आई एम बैक। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। PDF के लिए परेशान ना होइए वाशु शर्मा जी, PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां पर क्लिक कर देना, PDF डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2021 इंटरनेशनल नर्स डे, 2021 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का विषय क्या था? चलो आंसर करें अभिषेक जी, बिल्कुल हाँ इस प्रश्न का आंसर कर देंगे तो बिल्कुल सही आंसर बताएं तो देखिएगा एक बार लिंक को शेयर भी कर दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए। आज का टारगेट रखते हैं 300 लाइव, राइट, तो फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर दो जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क यूज करते हो। सही आंसर हो जाएगा नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर द फ्यूचर हेल्थ केयर। ये थीम थी हमारी इंटरनेशनल नर्स डे की, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन स्वॉन इन अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नासा। नासा के नए प्रबंधक के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? रिक स्कॉट, चार्ल्स बॉल्डन, बिल नेल्सन या मैक्रो रूबियो। चलिए अब नासा के बारे में बात कर लेते हैं। तो नासा जो है अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा, ठीक है, और नासा ने आपको पता है कि मार्स पे इंजीनिटी या प्रिजर्वेंस करके रोबर को भी भेजा था मंगल ग्रह पर, ठीक है। अब आपको नासा के नए प्रबंधक का नाम बताना है, चलो फटाफट आंसर कर दो।
रश्मि जी कह रही हैं, विल नेल्सन, बिल्कुल, मलय जी, ममती, ममनीत प्रसाद, नदीम, बिल्कुल, नीलू कुमारी, दी आंसर नहीं है नीलू जी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विल नेल्सन। इसके अलावा देखो मैंने एक लिस्ट बनाई है, छोटी सी ही लिस्ट है, 5-6 नाम है डिफरेंट कंट्रीज और उनकी जो स्पेस एजेंसीज है उनके नाम। भारत का तो सभी को पता है कि भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इसकी स्थापना हो गई और बेंगलोर में इसका हेड ऑफिस है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो नासा, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। रशिया के पास दो स्पेस एजेंसी है, पहले का नाम है RFSA, मतलब रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, और रॉस कॉस्मोस। ठीक है, यूरोप की क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान की है जेक्सा, और फ्रांस की क्या है यहाँ पर, CNES, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। ये सभी कुछ हमारी कंट्रीज और उनकी स्पेस एजेंसीज हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। के आर गौरी अम्मा हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द सीनियर मोस्ट सेकेंड 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 लॉन्गेस्ट सर्विंग MLA इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट। के आर गौरी अम्मा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस राज्य की विधानसभा में सबसे वरिष्ठ और सबसे लंबे समय तक रहने वाली दूसरी विधायक है। अच्छा, ये दूसरी है तो कोई और होगा जो फर्स्ट होगा, कोई और होगा जो फर्स्ट होगा जिनकी डेथ हो चुकी है, उनका नाम भी बता दीजिएगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन था। ठीक है ना, किस लेजिस्लेटर से ये बिलोंग करती है, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो आंसर आ चुका है हमारे पास, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, केरला कह रहे हैं सभी लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरला। अच्छा एक और चीज़ बता देती हूँ, जो MLA होते हैं इनको हम कहते हैं विधायक। ठीक है, हमारे चाचा विधायक है वाला सीन है ये। तो MLA, तो MLA बनने की जो उम्र होती है वो 25 साल, मिनिमम एज कितनी होती है, 25 ईयर्स होती है। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो या ना हो इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है वो MLA बन सकता है जो 25 साल की उम्र को पूरा कर सका हो। अच्छा यहाँ पे सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी ओल्डेस्ट जो हमारी सर्विंग MLA बन गई है वो है हमारी कौन, KR गौरी अम्मा, जिनका 8102 एज में क्या हो गया, निधन हो गया है। अच्छा इसके अलावा ये फर्स्ट रेवेन्यू मिनिस्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया है, कम्युनिस्ट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन 1957। ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करती थी, ठीक है ना, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ये बिलोंग करती थी। अच्छा इसके अलावा एक छोटी सी बात और, अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो के एम मनी ये भी केरला से संबंधित थे और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग लेजिस्लेचर मेंबर थी। के एम मनी फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद एक गौरी अम्मा है। अच्छा इसके अलावा जो केरला में रिफॉर्म बिल पास हुआ था, लैंड रिफॉर्म बिल, भूमि सुधार बिल, उससे भी रिलेटेड है इनका नाम। अच्छा केशवानंद भारती का नाम याद है ना, तो केशवानंद भारती का संबंध भी तो केरला से था, केशवानंद भारती के कारण ही तो 1973 में ये केस आया था जिसके अंतर्गत लैंड रिफॉर्म बिल को पास किया गया था। तो लैंड रिफॉर्म बिल जो केरला का है उससे भी रिलेटेड इनका नाम है। ठीक है, तो गौरी अम्मा का नाम आप याद रखेंगे और केशवानंद भारती का नाम भी याद रखेंगे, 1973 का केस, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया था केशवानंद भारती केस का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम फर्स्ट पर्सन। देखिए जब भी फर्स्ट व्यक्ति आ जाता है ना तो वो अपने अपनी न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू विन द प्रेस्टिजियस शेख जैद बुक अवार्ड। शेख जैद बुक पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं। देखिएगा ये जो शेख जैद बुक अवार्ड है ये UAE के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, UAE के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, जो भी अच्छा लिटरेचर के फील्ड में काम करता है। आपको बताना है पहले भारतीय जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। चलो आंसर कर देंगे, अरे क्या बात है पिंकी जी, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, झुंपा लहरी नहीं है ये तो पुराना न्यूज़ है। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ गया है, मधुमेह मंडल ऑप्शन डी कह रहे हैं, शिवम जी ऑप्शन डी कह रहे हैं, टहेरा, कुतुबुद्दीन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा इसके अलावा इनको किस नॉवल के लिए या किस बुक के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो देखिएगा आर्ट एंड फंक्शन, आर्ट एंड फंक्शन इसकी इनकी बुक का नाम है जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है UAE की गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा ऐसा नहीं है कि केवल इनको दिया गया है, कुछ और नाम है, देखिए ये पूरी लिस्ट मैंने बनाई है, इनके नाम रटने नहीं है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कितने व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है और किन किन कंट्री से ये लोग थोड़ा थोड़ा बिलोंग करते हैं, बाकी नाम रटने की जरूरत नहीं। कहाँ कहाँ तक नाम आपको याद रखोगे, देखिएगा ये 15th नंबर के शेख जैद बुक पुरस्कार दिया पे दिए गए हैं, 4 और 3 7, टोटल 7 मेंबर्स को ये पुरस्कार दिए गए हैं।
ठीक है, इनमें से ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारत के नहीं है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये रहते हैं लेकिन है भारतीय मूल के, ठीक है, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलो अगली देख लेते हैं। अगला है, इंडिया लेड इट फोर्थ फाइनेंशियल डायलॉग विथ विच कंट्री ऑन द मे 11, 2021। भारत ने 11 मई 2021 को किस देश के साथ अपनी चौथी वित्तीय वार्ता की, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर स्वीडन? चलिए आंसर करेंगे इस प्रश्न का। देखिएगा ये जो डायलॉग है, ये जो डायलॉग होते हैं, वार्ता होती है, बेटा नाम लिखे थे हितेश यादव जी, नाम लिखे थे लोगों के, फ्रांस कह रहे हैं, स्वीडन कह रहे हैं, जर्मनी कह रहे हैं। अच्छा तो सही आंसर, चलो आप लोगों की मदद कर देते हैं, ये जो वार्ता हुई है, जो फाइनेंशियल डायलॉग हुआ, ये उसी जगह हुआ जिसकी कैपिटल बर्न है, ये उसी जगह ये डायलॉग हुआ जिसको खेलों का मैदान कहा जाता है, जहाँ पे आल्प्स रेंजेस देखने को मिलेंगी, यूरोप की एक कंट्री है जहाँ पर ये फाइनेंशियल डायलॉग हुआ। अब तो आंसर कर दो, अब तो मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि कहाँ पर ये फाइनेंशियल डायलॉग हुआ, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट ना, ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में, क्योंकि बर्न इसकी कैपिटल, इसे खेलों का मैदान कहते हैं। तो ये डायलॉग जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं अजय सेठ, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और स्विट्जरलैंड से जो पार्टिसिपेशन किया था वो डैनियल स्टोफेल ने किया था। अच्छा अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस जो है आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलते हैं। कौन कौन से? पहला तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा ITU मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और IFRC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड द रेड क्रिसेंट सोसाइटी। इन सभी के हेड ऑफिस आपको कहाँ पर मिलेंगे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। बात क्लियर हो गई? गुड मॉर्निंग रमेश जी, बिल्कुल विनीत जी, अच्छा रश्मि जी, कोई नहीं, तुक्का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, पड़ोसी आपका तुक्का सही निकला, पड़ोसी था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग COVID-19 वेरियंट वॉज द फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडिया इन द October 2020? निम्नलिखित में से कौन सा COVID-19 वेरियंट पहली बार भारत में October 2020 में पाया गया था? एक्चुअली अब आप कहेंगे कि October 2020 की मैडम न्यूज़ पढ़ा रही है, नहीं मैडम इतनी पुरानी न्यूज़ नहीं पढ़ा रही है, WHO ने ये बात डिक्लेयर अभी की है 12 मई को, ठीक है ना, 12 मई को WHO के द्वारा ये बात डिक्लेयर की गई है, इसलिए हम इसको यहाँ पर आज न्यूज़ में लेकर आ रहे हैं। अच्छा अगर हम यहाँ पे बात करें COVID-19 की, तो ये वायरस जो है एक RNA टाइप का वायरस है, ठीक है, RNA टाइप का वायरस है। अब इसका कौन सा वेरिएंट हमको मिला है, जल्दी से फटाफट आंसर कर देंगे। प्रेरणा जी का आंसर आ गया है 617, मतलब ऑप्शन डी कह रही हैं। स्वर्णिका जी ऑप्शन डी कह रहे हैं, विकास जी ऑप्शन सी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तुक्का चल रहा हो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, B.1.617। ये नया वेरिएंट जो है वो COVID-19 का 2020 में डिटेक्ट किया गया था, ऐसा WHO ने अभी अभी हमको 12 मई को जानकारी दी है कि ये जो नया वेरिएंट है लगभग 44 कंट्रीज में पाया गया है। अगर हम वायरस से होने वाली और डिसीजेज के बारे में बात कर लेते हैं, तो जितने भी प्रकार के पॉक्स होते हैं ना, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये भी वायरस के कारण होते हैं। पोलियो जो डिसीज़ है वो भी वायरस के कारण होने वाली है। अच्छा इसके अलावा एक और वायरस है इबोला वायरस, तो इबोला वायरस कहाँ पर मिला था? अफ्रीका में मिला था। इसके अलावा नीफा वायरस, तो नीफा वायरस कहाँ पर मिला था आपको? केरला में मिला था। इसके अलावा एक और वायरस है जिसका नाम है चांदीपुर वायरस, और चांदीपुर वायरस को कहाँ पर खोजा गया था? तो गुजरात और महाराष्ट्र में चांदीपुर वायरस को खोजा गया था। हंता वायरस कहाँ पर मिला था? तो हंता वायरस आपको चाइना में मिला था। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेम कर लिए जाते हैं, ठीक है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा एड्स, तो एड्स भी जो है वो एक वायरस से होने वाली, HIV वायरस से होने वाली बीमारी है। 1 दिसंबर को आप एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए रमेश कुमार जी, वायरस जो है, वायरस एकमात्र ऐसी चीज़ होती है जो ना लिविंग होती है और ना नॉन लिविंग होती है। मतलब अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वायरस तो नॉन लिविंग है, लेकिन अगर यही वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो ये रिप्लीकेट मल्टीपल कॉपीज बनाना शुरू कर देता है और ये लिविंग बॉडी की तरह काम करने लगता है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पर
अब यहाँ पर देखो, आपको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पढ़ना कैसे है। तो देखिएगा, पहली चीज़ तो आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करो सुबह 6:30 बजे, और एक रफली एक कॉपी रख लो अपने पास, एक कॉपी रखो और उस कॉपी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। एक में लिख लो पहले स्पोर्ट्स, लिख लो स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पोर्ट्स के बाद इंपॉर्टेंट डायलॉग लिख लो, मिलिट्री एक्सरसाइज लिख लो, इसके अलावा आप यहाँ पे अवार्ड्स लिख सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स लिख सकते हैं, बैंकिंग की न्यूज़ और स्टेट की न्यूज़ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस तरीके से अपने बुक को सेग्रीगेट कर लो, पार्ट्स बना लो, और डेली की न्यूज़ लिखो एक एक लाइन, एक एक लाइन बस, ज़्यादा डिटेल में लिखना नहीं है आपको, तो वन लाइनर क्वेश्चन ही आने हैं MCQ में, तो एक एक लाइन वहाँ पर लिख लो और डेली का डेली रिवाइज करते रहो, तो जिससे पूरे महीने का या पूरे साल भर का करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। और एक नोट्स भी बन जाएंगे कि एग्जाम टाइम से पहले बस इतनी चीजें, अच्छा स्पोर्ट्स देखना है, फटाफट एक बार में देख लिया कि स्पोर्ट्स क्या हुआ पूरे साल भर में। ये होता है तरीका करंट अफेयर्स पढ़ने का, जितनी बार रिवीजन करोगे सारे नाम दिमाग में याद हो जाएंगे। तो आज से मैंने वही काम करना शुरू किया है, मैंने न्यूज को सेग्रीगेट कर दिया है, स्टेट की न्यूज देखेंगे, फिर स्पोर्ट्स की देख लेंगे, अवार्ड देख लेंगे, अपॉइंटमेंट्स देख लेंगे, डेट्स देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने सेग्रीगेट कर दिया है, बात समझ में आ रही है ना पढ़ना कैसे है, ठीक है। मैं भी ऐसे ही पढ़ती हूँ, इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप भी ऐसे पढ़ो, याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे कि कल किसकी नियुक्ति हुई थी या फिर कल किसकी डेथ हुई थी। तो सबसे पहले स्टेट की न्यूज़ देखते हैं, तो देखिएगा पहली न्यूज़ क्या है स्टेट की हमारे पास, MOEFCC। अब ये क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड एरिया अंडर द थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी एज द इको सेंसिटिव जोन। अच्छा, ये क्रीक कहलाता है क्या, जो समुद्र का पानी होता है, जो समुद्र का पानी जो बैक वाटर होता है उसे हम क्रीक कहते हैं। तो थाने कहाँ है, तो थाने जो है वो आपके महाराष्ट्र में मिलेगा, तो थाने क्रीक को फ्लेमिंगो सेंचुरी के रूप में नॉमिनेट किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। 48.32 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया है। ऐसा बनने के बाद ये हमारे महाराष्ट्र की सेकेंड नंबर का जो है वो सेंचुरी बन चुका है। अच्छा, तो पहली सेंचुरी कौन सी है, तो पहली जो मरीन सेंचुरी बनाई गई थी महाराष्ट्र में वो मालवन सेंचुरी थी, जो कि सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में बनाई गई थी। तो पहली मरीन सेंचुरी कौन सी बनाई गई थी, मालवन सेंचुरी, जो कि सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में थी। और सेकेंड कौन सी बना दी है, थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी को बना दिया गया है, ठीक है, जहां पर बहुत सारी आपको 12 मैंग्रोव स्पीसीज मिली, 39 कैटेगरी ऑफ मैंगो स्पीसीज, डिफरेंट डिफरेंट यहां पर प्रजातियों को देखने को मिला, ठीक है। अगली न्यूज देख लेते हैं, ये स्टेट की न्यूज है। खुशी कुमार जी, मार्च का तो मेरे पास अभी नहीं है, अप्रैल का जरूर, मैंने 2 मई को, आप देखोगे तो अप्रैल का पूरे महीने का मैंने अपलोड किया था। अगला है मियो का 12, रेलवे स्टेशन रीनेम्ड महेश नगर इन द जोधपुर राजस्थान। तो ये स्टेट की न्यूज है, किस स्टेट की न्यूज है, राजस्थान की। तो राजस्थान, गहलोत साहब यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, मियो का 12 जो रेलवे स्टेशन था इसका नया नाम रख दिया है महेश नगर। अच्छा, किसी भी जगह का नाम अगर चेंज करना है, राज्य की सीमाएं बदलनी है, राज्य का नाम चेंज करना है, राज्य की बाउंड्री को चेंज करना है, दो राज्यों को मर्ज करना है या किसी नए राज्य का गठन करना है, तो ये सारे के सारे अधिकार संसद, मतलब हमारे पार्लियामेंट के पास होते हैं। कहाँ पर है ये सारे अधिकार, इनको चैप्टर नंबर 1 अगर आप पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक, तो आपको ये सारी बातें वहां पर पता चल जाएंगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा मियो का 12 का नाम, नया नाम रख दिया है महेश नगर, कहां पर, जोधपुर राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान की जब बात हो रही, तो एक और चीज राजस्थान के बारे में याद रख लेंगे कि राजस्थान में सांभर लेक है, डिडवाना लेक है, इसके अलावा काल बेलिया यहाँ पर जो डांस फॉर्म है वो बहुत ही फेमस है घूमर के अलावा। तो काल बेलिया, ये RRB NTPC का प्रश्न था, काल बेलिया डांस फॉर्म कहाँ का है, राजस्थान का। इसके अलावा घूमर डांस फॉर्म भी किया जाता है। बात क्लियर हुई, चलिए अगली न्यूज देख लेते हैं। अगली न्यूज जो है वो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बात समझ में आ रही है ना पढ़ना कैसे है, सुशील जी, बिल्कुल। संडे को आपको पूरे वीक का करेंट अफेयर्स मिल जाएगा, गवर्नर कलराज मिश्र जी हैं, बिल्कुल सही बात आप लोग कह रहे हैं। चलिए अगला हमारा साइंस एंड टेक है। तो साइंस एंड टेक की पहली न्यूज, इंडिया एंड इंडोनेशिया नेवीज कंडक्ट एक्सरसाइज इन द अरेबियन सी, अरब सागर। देखिए ये भारत की स्थिति है, और भारत का ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ पर पूरा आपको अरब सागर या अरेबियन सी देखने को मिलेगा। इसको आप मालाबार कोस्टल प्लेन के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं इसको आप, मालाबार कोस्टल प्लेन के नाम से भी
जानते हैं। तो इंडिया और इंडोनेशिया नेवी ने हाल ही में अरेबियन सी में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसका नाम क्या है, पासिस एक्स, जिसको पासेक्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अरेबियन सी की एक और न्यूज़ है मेरे पास। 16 मई, ऐसा कहा गया है कि 16 मई को इस साल का पहला समुद्री तूफान जिसका नाम है ताउपे, वो भी 16 मई को हमारे अरेबियन कोस्टल प्लेन मतलब मालाबार कोस्टल प्लेन से टकराने वाला है, जिसका नाम क्या है, ताउपे। ताउपे अब ये नाम किसने रखा है, तो ये नाम उसी ने रखा है जिसकी कैपिटल नाइपेताऊ है, मतलब म्यांमार के द्वारा ये नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा, भारत की तरफ से इस एक्सरसाइज में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो INS शारदा, इसके अलावा चेतक हेलीकॉप्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इंडोनेशिया की तरफ से जो है इंडोनेशियन नेवी का KRI सुल्तान पार्टिसिपेट करने वाला है। ये एक फ्रेंडली फॉरन कंट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है पासेक्स। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये कंडक्ट की जा रही है। चलो अगली बात देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अबाउट द इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी भी आपके लिए बनाई थी कि इंडोनेशिया का एक माउंटेन था, एक वॉल्केनो था, माउंट सेंटरबर्ग, जिसमें 400 सालों से बेचारा सोया हुआ था और अचानक से जाग गया और इसमें विस्फोट हुआ। तो माउंट सेंटावक जो वॉल्केनो है जहाँ पर विस्फोट देखा गया वो इंडोनेशिया में ही है। माउंट मेरापी जो है वो भी आपको इंडोनेशिया में देखने मिलेगा। इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता है और इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री और सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री भी जो है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो जोको विडोडो है, इनका नाम याद रखेंगे। और यहाँ की जो करेंसी है वो इंडोनेशियन रुपया है। ठीक है, यहाँ अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो चीफ हैं नेवल स्टाफ के वो एडमिरल करमवीर सिंह हैं। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। और इंडोनेशिया जो है वो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी है। इंडोनेशिया जो है वो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला न्यूज़ देख लेते हैं। अगला न्यूज़ है हमारे पास स्पेस एक्स, एलन मस्क। चलो यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। स्पेस एक्स टू लॉन्च डॉग ई वन सैटेलाइट टू द मून इन द 2022। अच्छा देखिएगा, बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा। बिटकॉइन क्या है, सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, मतलब कोई फिजिकल करेंसी नहीं होती जिसको आप छू के देख सकें, ऐसी कोई करेंसी नहीं। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि फर्स्ट नंबर पे है। वैसे फोर्थ नंबर पे हमारी एक और क्रिप्टो करेंसी आती है जिसका नाम है डॉग वन। हालांकि जितनी भी ये करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, वो भारत में इलीगल है या भारत में बैन है, चाहे बिटकॉइन ले लो या फिर डॉग कॉइन ले लो। लेकिन स्पेस एक्स जो है वो डॉग वन सैटेलाइट मून पर भेजने वाला है 2022 में। इस पूरा जो मिशन है इसका जो फुल पेमेंट किया जाएगा वो क्रिप्टो करेंसी डॉग कॉइन के जरिए किया जाएगा। ये पहला ऐसा मिशन है जिसका पेमेंट जो है वो किसी क्रिप्टो करेंसी के जरिए हो रहा है। तो ये अपने आप में एक लूनर मिशन है जो कि हिस्ट्री बनाने जा रहा है। तो डॉग कॉइन के जरिए इसका फुल पेमेंट किया जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब डॉग कॉइन कब शुरू किया गया? तो डॉग कॉइन जो है इसकी शुरुआत 2013 में की गई। डॉग कॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है इसको किसने इन्वेंट किया, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिनका नाम है बिली मार्क्स एंड जैक्सन पाल्मर, इनके द्वारा 2013 में डॉग कॉइन्स को बनाया गया था। अगर स्पेस एक्स की बात करें तो इसका हेड ऑफिस कैलिफोर्निया USA में मिल जाएगा और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, एलन मस्क है। बात क्लियर हुई स्पेस एक्स के बारे में। अगली हम न्यूज देख लेते हैं यहां पर साइंस एंड टेक की। चलिए, वहां भारत में लीगल नहीं क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और आज के समय में तो बिटकॉइन की रेट बहुत ज़्यादा हो गई है। एक बिटकॉइन 4 लाख रुपए तक का पहुंच चुका है, अगर आपने देखा होगा, जबकि 2013 में उसकी वैल्यू केवल 70 रुपये हुआ करती थी। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इरेडा के बारे में। इरेडा क्या होता है? तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो है वो इरेडा का फुल फॉर्म होता है। इरेडा को जो है वो ग्रीन उजाला अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में नवीनीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को करने के लिए इरेडा को यह पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। अच्छा, यह पुरस्कार इन्हें किसके द्वारा दिया गया है? तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा यह अवार्ड इरेडा को दिया गया है। ठीक है, ये अवार्ड हमारे और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इरेडा को दिया गया है, क्योंकि आपका लक्ष्य भी है 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना। ठीक है, अगर इरेडा के हेडक्वार्टर की बात करते तो नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, साथ ही साथ इसकी स्थापना 11 मार्च 1987 को की गई थी। अगला जो हमारे पास न्यूज़ है साइंस एंड टेक का,
मई फ्लावर, मे फ्लावर 400। चलिए ये अच्छी न्यूज़ है। तो मे फ्लावर 400 वर्ल्ड फर्स्ट अनमैंड वेसल टू नेविगेट अक्रॉस अटलांटिक। तो अटलांटिक में नेविगेशन करने के लिए वहाँ पर एक्वेटिक क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर कौन कौन से फ्लोरा एंड फाउना पाए जाते हैं, वहाँ पर वेस्ट मटेरियल कितना है, समुद्र में प्रदूषण कितना है, वाटर की क्वालिटी कितनी है, किस प्रकार के एक्वेटिक मैमल्स पाए जाते हैं, इन सारी बातों का सर्वे करने के लिए, जानकारी को इकट्ठा करने के लिए ये पहला अनमैंड वेसल नेविगेट करने के लिए इसे भेजा गया है अटलांटिक में, जिसका नाम क्या है, मे फ्लावर 400। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि इसमें कंट्रीब्यूट किसने भी किया है, भारत ने भी किया है। इसका जो पूरा कार्यक्रम हुआ इसमें खर्चा आया लगभग 1 मिलियन का, जिसमें इंडिया, यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड के द्वारा इसमें फंडिंग की गई थी, मे फ्लावर 400। साथ ही साथ IBM ने भी इसको बनाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। बिल्ड बाय द मरीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोमेयर इन द कोलेब्रेशन विद द IBM। तो प्रोमेयर और IBM के कोलेब्रेशन से इसको यहाँ पर मे फ्लावर 400 को लॉन्च किया जाएगा। लगभग 15 मीटर लंबा है ये और 9 टन का ये है, जिसमें सोलर प्लांट पैनल्स भी लगे हुए हैं। मतलब इसको अलग से बिजली की ज़रूरत नहीं है, सोलर प्लांट के जरिए अपने आप जो है सोलर पैनल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। तो इसको याद रखना है कि मे फ्लावर 400 क्या है, तो पूछा जाएगा तो बता देना कि एक अनमैंड वेसल है जो नेविगेट करने गया है अटलांटिक में। कब इसको कमीशन किया जाएगा, 15 मई को कमीशन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। बिल्कुल, बिटकॉइन सरकारी मान्यता देने वाला पहला देश वेनेजुएला था, लेकिन भारत ने 2021 में बिल पास करके बिटकॉइन को इलीगल कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले, अब हम कुछ मेमोरीज, कुछ ट्रिब्यूट्स देख लेते हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है ड्यू टू कोविड या ड्यू टू कोई भी डिसीज़ के कारण, उनको हम देख लेते हैं और फिर हम अपने स्टैटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। और वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा। जैसे कि हमारा पहले से प्रोटोकॉल चली आ रही थी कि जो भी आंसर सही होंगे कमेंट सेक्शन में उनका नाम हम अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल करते थे, राइट ना। चलिए ट्रिब्यूट्स देख लेते हैं। एक्स CBI ऑफिसर जिनका नाम क्या था, के राघथोनम, इनका हाल ही में निधन हो गया है COVID-19 कॉम्प्लिकेशन के कारण। अच्छा, अब राजीव गांधी केस आपको याद होगा, राजीव गांधी के जी का जो था वो मर्डर हुआ था जब वो एक इलेक्शन रैली में चेन्नई में थे तो किसी ने उनको शूट कर दिया था। तो राजीव गांधी का जो मर्डर हुआ था उसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक्स CBI ऑफिसर जो थे राघथोनम को चुना गया था, जिनका निधन हो गया है। ठीक है, तो CBI स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के भी ये मेंबर थे और 1991 में जो राजीव गांधी मर्डर केस था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इनको चुना गया था। तो इनका नाम याद रखेंगे, के CPK रामगोथनम। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। बिल्कुल रमेश जी, सब्र रखिए, कुछ दिनों में कोविड भी खत्म हो जाएगा, एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएंगे, बस तैयारी को अच्छा करके रखिए। अगला है हमारे पास, अर्जुन अवार्ड विनर TT मतलब टेबल टेनिस प्लेयर वी चंद्रशेखर डाई। तो हमारे जो अर्जुन अवार्ड जो होते हैं इनकी शुरुआत 1961 से की गई थी 1961 में, और 15 लाख रुपए की राशि अर्जुन अवार्ड के अंतर्गत दी जाती है। तो स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाने वाला अवार्ड जो है वो अर्जुन अवार्ड है। तो अर्जुन अवार्ड विजेता जो है वो है वी चंद्रशेखर, टेबल टेनिस प्लेयर भी थे, साथ ही साथ टेबल टेनिस के एक सक्सेसफुल कोच भी थे, जिनका COVID-19 की कॉम्प्लिकेशन के कारण निधन हो गया है। साथ ही साथ 1982 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे इनके सेमीफाइनल में भी ये पहुंचे थे और 3 बार के ये नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं टेबल टेनिस में। तो इनका नाम याद रख लेंगे, वी चंद्रशेखर। अगली न्यूज़ हम देख लेते हैं। तो अगली जो न्यूज़ है देखिएगा, फार्मर हॉकी एम्पायर रविंद्र सोदी डाइज ऑफ द COVID-19 कॉम्प्लिकेशन। तो हॉकी के एम्पायर के रूप में इन्होंने काम किया है रविंद्र सोदी, इनका भी जो है वो COVID-19 के कॉम्प्लिकेशन के कारण निधन हो गया है। ठीक है, साथ ही साथ 1988 में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था लखनऊ में, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये एम्पायर के रूप में काम करते थे और मात्र 66 ईयर्स के थे जिनका निधन हो गया है। तो ये कुछ ट्रिब्यूट्स हैं, इनके नाम और इनकी फील्ड याद रखना है कि जैसे लिख दिया कि रविंद्र सोदी का संबंध किस गेम से है तो लिख दीजिएगा हॉकी से है, वी चंद्रशेखर का संबंध किस फील्ड से है तो बता दीजिएगा TT मतलब टेबल टेनिस खेलते हैं। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, बात समझ में आ रही है। तो चलिए आज देख लेते हैं आज का GK बूस्टर सेशन में हमारे पास क्या क्या है।
फटाफट सभी लोग तैयार हैं, लिंक को शेयर तो कर ही दिया होगा। जो पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। ठीक है ना, डेली सुबह 6:30 बजे हम आपसे मिलेंगे, जहाँ पे हम देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेक्कन फेस्टिवल इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ, डेक्कन फेस्टिवल कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? आंध्र प्रदेश, केरला, गोवा या फिर सिक्किम? आंसर प्लीज, आंसर करेंगे, लेट्स गो। बिल्कुल, ट्रेन आ रही है हेता शाह जी की। डेक्कन फेस्टिवल जो है वो फेमस त्यौहार है कहाँ का? आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो 25वें नंबर का हाई कोर्ट बनाया गया है। यहाँ की जो 25वें नंबर का हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश में, यहाँ के चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है ये भी कमेंट सेक्शन में बता दें। अगला न्यूज़ देख लेते हैं हम। अगला है हमारे पास, हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ द गुजरात, गुजरात के वर्तमान गवर्नर के रूप में कौन काम कर रहा है? सत्यदेव नारायण आर्य, बंदरातु दत्तात्रेय, आचार्य देवव्रत या फिर लालजी टंडन? अच्छा, लालजी टंडन जो है ये मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे, मगर इनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए मध्य प्रदेश का जो एडिशनल चार्ज है वो आनंदी बेन पटेल को दिया है, और आनंदी बेन पटेल जो है वो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर के रूप में काम कर रही हैं। ठीक है, चलो आंसर कर देंगे। गुड मॉर्निंग सत्यम मिश्रा जी, थोड़ी सी लेट हो गई है मॉर्निंग। अच्छा, गुजरात के जल्दी से गवर्नर बता दो, तो ऑप्शन नंबर सी आचार्य देवव्रत कह रहे हैं। बिल्कुल, फरत प्रवीण दीपाली, आंसर ए नहीं है, ऑप्शन सी है शिवम जी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पंकज पटेल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लिविंग माउंटेन, ये मैंने पुराने करेंट अफेयर्स में आपको डिस्कस कराया था, द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? देवेंद्र फर्नांडिस, मेघना पंत, पीटर मुखर्जी या अमिताभ घोष? द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर प्लीज। चलिए, तो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या आ गया हमारे पास, अमिताभ घोष। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अमिताभ घोष जो है वो द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक है। संगीता, आनंद कुमार, ममनीत प्रसाद, थग लाइट जी, सत्यम, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए रिंकी, हितेश यादव, मेघना पंत आंसर नहीं है, द लिविंग माउंटेन आंसर है इसका अमिताभ घोष। अगला है, मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, गोवा, उड़ीसा, उत्तराखंड या त्रिपुरा? चलिए, अब मोलेम नेशनल पार्क के अलावा यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, भगवान महावीर नेशनल पार्क भी है यहाँ पर, सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी भी यहाँ पर है, और सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ मांडवी रिवर के किनारे स्थित है, मनोहर पारिकर यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं जिनका निधन हो गया, प्रमोद सावंत यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, और इसकी कैपिटल क्या है, पणजी है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित हो गया, गोवा में हो गया। जब इतनी सारी बातें बोल ही दी हैं तो आंसर तो मिल ही गया होगा कि मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, गोवा में स्थित है। चलिए अगली बात हम कर लेते हैं यहाँ पे, द नीलगिरी माउंटेन रेलवे इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया, नीलगिरी माउंटेन रेलवे भारत में किस भाग में पाई जाती है? अच्छा, जो नीलगिरी माउंटेन है, बेसिकली नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरला से लेकर तमिलनाडु तक फैली हुई हैं। ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये पूरा हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो नीलगिरी माउंटेन को हॉट स्पॉट के नाम के भी जानते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप की फ्लोरा एंड फाउना पाई जाती हैं। अच्छा, जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी शामिल है, यूनेस्को के द्वारा इनको शामिल किया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि नीलगिरी माउंटेन रेलवे कहाँ पर है, तो बिल्कुल आंसर आ चुका है हमारे पास नदीम, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल तमिलनाडु इज द राइट आंसर। बेटा तमिलनाडु, रश्मि जी, ममनीत, प्रज्ञा, बिल्कुल तमिलनाडु, रोशनी, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हम, ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसका आंसर कहाँ यहाँ नहीं देने का है, कमेंट सेक्शन में देना है, और जिनका नाम सही होगा, जिनके आंसर सही होंगे, उनका नाम प्रेजेंटेशन में शामिल कर लेंगे। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA हैज इट्स हेड क्वार्टर इन द विच प्लेस, जिनेवा, न्यूयॉर्क, रोम या फिर पेरिस? UNFPA मतलब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेड ऑफिस या मुख्यालय कहाँ पर है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही साथ मेरी क्लास ओवर हो चुकी है, अब इसके बाद
श्रेया मैडम की एडिटोरियल की क्लास है, तो आप इसको भी वापस से ज्वाइन कर सकते हैं एडिटोरियल पढ़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो पहली बार आ रहे थे चैनल पे, वो चैनल को लाइक करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अच्छा, और कैसा लगा सेशन आज का आपको, तो कमेंट सेक्शन में ये भी बात आप ऐड कर दोगे तो सही हो जाएगा। तो PDF कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्रोमो कोड याद रखिएगा, E13830 प्रोमो कोड है। अगर आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आप इस प्रोमो कोड का यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आप mahindraz.org पे भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।